एक प्रॉब्लम में ध्यान देंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कोई आपका आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और हमें बताना क्या है कि 1 कूलम्ब, कोई भी बॉडी पर यदि 1 कूलम्ब का चार्ज है तो उसके पास कितना नंबर ऑफ कूलम्ब, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। यानी कहने का अर्थ है यदि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब जो चार्ज है वो आपका कितना इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का, एन इलेक्ट्रॉन मतलब कहने का 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हो गया, नाउ हम लोग कह सकते हैं कि इफ चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, है ना, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1। और यही यदि चार्ज हमारा 1 कूलम्ब का हो, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यदि 1 कूलम्ब का चार्ज है तो, है ना, तो 1 कूलम्ब भी है तो 1/1, और इससे इंटू 1, 1 कूलम्ब है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे ये क्या करना होगा, हल करना होगा। तो ये जो 10⁻¹⁹ जो नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, 10⁻¹⁹ / 1.6। क्लियर है, 10⁻¹⁹ / 1.6। तो 10⁻¹⁹ को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹⁹ / 1.6। कोई दिक्कत, 10⁻¹⁹ को हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 10⁻¹⁹ × 10 में, दैट मीन्स 10⁻¹⁹, है ना। तो अब 1.6 से 10 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1.6 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 चांस में इसे काट देगा, ठीक है। दैट मीन्स हो गया 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 1 कूलम्ब का यदि चार्ज हो किसी भी बॉडी पर तो उसके पास 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दस 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स taken together constitute 1 कूलम्ब of charge। answer clear। प्रॉब्लम 1, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग ऑफ चार्ज 2 कूलम्ब्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। आपका एक पॉइंट है जहां पर आपका पोटेंशियल है कितना, 118 वोल्ट, यहां पोटेंशियल है कितना, 118 वोल्ट, दूसरा जगह पोटेंशियल है आपका 128 वोल्ट, और इस 118 वोल्ट पर यहाँ 2 कूलम्ब का चार्ज है, यहाँ से हमारे को यहाँ तक इसे मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, यही निकालना है। क्लियर है, तो क्वेश्चंस आप समझ गए, आप सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं जब वर्क करेंगे तो भूख लगेगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू V × Q, है ना, भूख VQ। क्लियर है, तो
आपका वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को 128 माइनस 118 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। क्लियर है? तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को 10 इंटू चार्ज हो गया 2 कूलम का दैट इज इक्वल टू 20 जूल्स। क्लियर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सैंपल प्रॉब्लम 2। हाउ मच एनर्जी इज गिवेन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी से किसी भी प्रत्येक कूलम्ब को पास कराने में हमको कितना एनर्जी देना होगा, है ना? तो फॉर्मूला तो जानते ही हैं। तो 6 वोल्ट बैटरी से यानी V इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 वोल्ट और ईच कूलम्ब दैट मीन्स चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। तो W बराबर क्या होता है? भूख V इंटू क्यू, याद है सभी को? तो V इज इक्वल टू कितना? 6। क्यू इज इक्वल टू कितना? 1 दैट इज इक्वल टू 6 जूल्स आंसर। यानी 6 जूल्स एनर्जी हमारे को चाहिए प्रत्येक कूलम्ब को 6 वोल्ट के बैटरी से पास कराने के लिए। प्रॉब्लम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 0.2 एम्पियर करंट को विड्रॉ कर रहा है, ले रहा है फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट में। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया उस सर्किट में। सिंपल है सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ है क्या? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। तो SI यूनिट तो 60 सेकंड में होता है ना, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1200 सेकंड। तो अमाउंट ऑफ, हमें निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज I करंट बरा I बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। तो Q बराबर क्या होगा? IT, है ना? यानी चार्ज बराबर क्या? IT। चार्ज जो है वो IT डिपार्टमेंट है। तो Q इज इक्वल टू, I का वैल्यू पुट कीजिए 0.25, T का वैल्यू कितना हो गया? 1200। क्लियर है? तो इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25 बटा में 100 इंटू 1200। क्लियर? 00 से 00 कट गया, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 300। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। सी इज डिनोशन ऑफ कूलम्ब। 300 कूलम्ब फ्लो करेगा आंसर। सैंपल प्रॉब्लम देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलिए ये तो सिंपल है, आसानी से हम लोग बना लेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया हुआ डाटा हम लोग लिख लेते हैं। करंट कितना है? 2 एम्पियर्स। तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। निकालना हमें क्या है? रेजिस्टेंस। तो रिलेशनशिप हम देखेंगे किसका? I, V और R का, है ना? तो फॉर्मूला याद कीजिए, क्या है फॉर्मूला? भान है यार, है ना? दैट मीन्स V इज इक्वल टू IR। क्लियर? भान है यार, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ये बताइए? R इज इक्वल टू V बाई I।
वी बाई आई होगा आर इज इक्वल टू, तो वैल्यू पुट कीजिए तो आर वी हमारा हो गया कितना 0.1 एंड आई है हमारा 2 एम्पियर्स। क्लियर है, यहां से 1 हटाइए तो डी जी 20 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/20। 20 से 1 में भागा देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 ओम, है ना। ये क्या है, ओम है, जिसको कि हम लोग पढ़ते क्या है, ओमेगा, यानी रेजिस्टेंस हो गया इसका बिटवीन दिस टू पॉइंट इज 0.05 ओम, या हम ऐसे लिख सकते हैं 0.05 ओम। क्लियर है आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड ए रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें आपका 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और रजिस्टर है आपका कितना 60 ओम्स का। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट क्या होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल, यदि हमारा रेजिस्टेंस जो है कनेक्टिंग वायर में वह मान लीजिए कि आपका नेग्लिजिबल है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, करंट। क्लियर है, हमें निकालना है करंट। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारे को निकालना है, सबसे पहला वो मैं लिख लेता हूं, आई इज इक्वल टू व्हाट। उसके बाद दिया हुआ है वी इज इक्वल टू 24 वोल्ट। उसके बाद दिया हुआ रजिस्टर आर इज इक्वल टू 60 ओम। रजिस्टर क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का, 60 ओम है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं भान है यार, वी इज इक्वल टू आई आर, याद है। तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। वैल्यू पुट करते हैं तो वी है हमारा 24 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस है हमारा 60 ओम। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर आंसर। क्लियर, तो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 3.4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, यूज कर रहा है फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, और लाइन का जो सप्लाई है, पावर सप्लाई जो है वो कितना है 220 वोल्ट। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। लेकिन यदि हम इसी करंट, इसी इलेक्ट्रिक आयरन को यदि 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या करंट फ्लो करेगा। कह रहा है क्या कि एक पावर लाइन है जो कितना है 220 वोल्ट का है ना, यानी कि हमारा V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है। क्लियर, तो यहां से हमारे को जो आयरन है वह आयरन यूज कर रहा है करंट कितना 3.4 एम्पियर। क्लियर, अब यही वोल्टेज जो है वो घट जाए और हमारा हो जाए 110 वोल्ट, तो जो हमारा आयरन है वह आयरन कितना करंट यूज करेगा, तो ये निकालना है हमारे को। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि इस आयरन में रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, कितना रेजिस्टेंस ये यूज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू व्हाट, उसके बाद हम लोग 110 वोल्ट पर इस करंट को निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है वो कांस्टेंट होगा इस इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, चाहे आप कितना भी वोल्टेज पर इसको चलाइए। क्लियर, तो सॉल्यूशन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट वी नो। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं काम। तो फॉर्मूला याद है, भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर है, तो यहां से हमारे को वैल्यू पुट करते हैं 220 वोल्ट और करंट है हमारा 3.4 एम्पियर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को आ जाएगा
64.7 ओम। तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया R इज इक्वल टू 64.7 ओम, दैट इज कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। क्लियर? तो निकाल लूं मैं करंट, तो वैल्यू तो हमारे को V बराबर आई आर से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V ये कितना 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 64.7 ओम, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 64.7 ओम, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 एम्पियर आंसर। सो सिंपल। सैंपल प्रॉब्लम वन हम देखते हैं, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻²। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी हमें ज्ञात करनी है। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व। और हेयर वी हैव गिवेन लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ यहाँ दिया हुआ है कितना है 2 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, दैट इज 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻²। और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2 × 10⁻²। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज व्हाट। तो फॉर्मूला हमें याद है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, है ना। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यही होता है ना, आर इंटू ए बाई एल। नाउ वी पुट द वैल्यू, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻²। एरिया हमारा कितना है 1.7 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई लेंथ है हमारा कितना 2। क्लियर? चलिए तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू 1.7 × −6 × 10⁻⁶ + 10⁻², दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को 10⁻⁸। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी हमारा निकल गया, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर आंसर। क्लियर? प्रॉब्लम 2, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमारे को वायर का लेंथ कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज हमारे को दिया हुआ है। आर दिया हुआ है रेजिस्टेंस 10 ओम। सेकंड चीज हमारे को रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी कितना है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। थर्ड हमारे को डायामीटर भी दिया हुआ है, डायामीटर हमारा है कितना 0.5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। ध्यान देंगे डायामीटर 0.5 मिलीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 0.5/2, है ना। रेडियस हमारा डायमीटर का हाफ होता है, तो दैट इज इक्वल टू 0.25
मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि वायर जो होते हैं वो आपका सर्कुलर होते हैं, है ना, लंबे लंबे वायर जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए रेडियस हम निकालें तो 0.25 मिलीमीटर हो गया। तो इसे मीटर में चेंज करना होगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें, मिलीमीटर को चेंज से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 0.25 बाई 1000, दैट मीन्स 0.25 बाई 10^3 से लिख सकते हैं। और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 10^-3, क्लियर है, मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। तो अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी क्रॉस सेक्शन का आपका, यानी एक सर्किल है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है, 0.25 इंटू 10^-3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया आपको आ जाएगा 0.1964 इंटू 10^-6। यूनिट क्या हो जाएगा एरिया का, मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया निकाल लिया, तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो यहां से एल इज इक्वल टू निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए बाई रो, क्लियर है। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा 10 है, 10 ओम इंटू एरिया हमारा कितना है, तो एरिया हमने निकाला है 0.1964 इंटू 10^-6 डिवाइडेड बाय रो। रो कितना है, 1.6 इंटू 10^-8, क्लियर है। तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको लेंथ आ जाएगा 122.7 मीटर, यानी हमने लेंथ ऑफ वायर निकाल लिया। लेंथ ऑफ वायर हमारा क्या होगा, 122.7 मीटर आंसर, क्लियर। बी, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। और यदि हमारा डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बी के लिए डायमीटर डबल, डायमीटर को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, डबल्ड, दैट मींस रेडियस ऑल्सो डबल्ड, तो रेडियस भी हमारा डबल हो जाएगा, क्लियर। और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हमारा जब रेडियस डबल हो गया यानी पाई इंटू 2r का स्क्वायर हो गया, यानी हमारे को क्या हो गया, 4πr² स्क्वायर हो गया। जब हम लोग रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया हमारा 4 times बढ़ जाता है, क्लियर है। तो हमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस तो हम लोग जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। तो एरिया हमारा क्या हुआ है, 4 times बढ़ गया है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 times से डिक्रीज कर जाएगा, है ना, यानी रेजिस्टेंस हमारा 1/4 हो जाएगा। हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 1/4 आंसर, क्लियर।
रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिक्रीज करके हमारा बिकम्स हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीज करके हमारा क्या हो गया, बिकम्स हो गया 1/4, यानी रेजिस्टेंस यदि शुरू में 1 था तो वो घट कर क्या हो गया 1/4 हो गया, यानी रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया 1/4 हो जाता है। प्रॉब्लम 3, ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक 6 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, ठीक है, और ये जो वायर है वो आपका यदि इतना लंबा है तो इस वायर को क्या किया जाता है, बीच से फोल्ड किया गया, ठीक है। तो बीच से जब इसे फोल्ड कर दिया गया तो ये वायर की लंबाई क्या हो गई, हाफ हो गई, लेकिन एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। यदि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 के मिलने से क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। यहाँ लेंथ एल है तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएंगे, एल बाई 2 हो जाएंगे। लेंथ हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, एरिया हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको वायर को फोल्ड कर दिया गया है, क्लियर है। तो हमें बताना है कि नया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो जब हमारा रेजिस्टेंस 6 ओम है, एरिया हमारा ए है और लेंथ एल है, तो इस अनुसार से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं, रो इंटू एल बाई ए, है ना, क्योंकि रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपको आर इंटू ए बाई एल, है ना, R इंटू ए बाई एल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, अभी रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम है तो इस समय रेजिस्टिविटी तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, रो इंटू लेंथ हमारा L है और एरिया हमारा A है, क्लियर, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ अब हम बाई फोल्डिंग, बाई अप फोल्डिंग फोल्ड कर दिए हैं, देन हमारा न्यू एरिया जो है A1 हमारा क्या हो गया, अब 2A हो गया, लेंथ हमारा न्यू जो लेंथ है वो हमारा क्या हो गया, L बाई 2 हो गया। तो यहां पर हमारा अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा तो वही, तो नया जो रेजिस्टेंस है क्या होगा इस, अब हमारा R1 वो बराबर वाट हमें निकालना है, क्लियर। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा ना, तो R1 हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रो तो हमारा कांस्टेंट है, इनटू लेंथ हमारा नया लेंथ क्या है, एल बाई 2, तो एल बाई 2 नीचे चला जाएगा, और एरिया हमारा क्या है, 2a हो गया, तो एरिया आप पुट कर दीजिए 2a, क्लियर। तो दिस इज इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग कर देते हैं इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1 से। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, क्लियर। तो हमारा क्या इधर हो जाएगा, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे R1 और नीचे हमारा लिखाएगा क्या, 6, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, आर रो इंटू एल बाई 2 इंटू 2a को लिख सकते हैं 4a, क्लियर है, डिवाइडेड बाय, हम इसको डिवाइड किए कितना से, रो इंटू एल बाई ए से, क्लियर है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किए, दैट मीन्स R1 बाई 6 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई 4a। अब ये डिवाइड से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a चला गया ऊपर, नीचे आ गया कितना, रो इंटू एल, क्लियर है। नीचे चलाएगा हमारा क्या, लेंथ हमारा जो है
हो गया रो इंटू एल। अब रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया। अब ये सिक्स उस साइड चला जाएगा, ये सिक्स हमारा जो है अपोजिट साइड चला जाएगा। तो नाउ आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स बाई फोर। क्लियर है? अब फोर से सिक्स में डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 1.5 ओम, यानी नया जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.5 ओम होगा आंसर। क्लियर? सो सिंपल। सैंपल प्रॉब्लम देखिए, इफ फोर रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। चार रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का वैल्यू 1 ओम है और वो सीरीज में कनेक्ट है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए हम लोग इसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए तो ऐसा पिक्चर आएगा। एक रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में है, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस। दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री एंड दिस इज आर फोर रेजिस्टेंस, है ना। और प्रत्येक का वैल्यू कितना है, 1 ओम है, यानी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते ही है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस क्या हो जाएगा, आर फोर। ये चारों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 ओम आंसर। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स हो गया। क्लियर? सिंपल है। सैंपल प्रॉब्लम टू, सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ए रेजिस्टेंस of 6 ohm is connected in a series with another resistance of 4 ohms. एक 6 ohm का resistance को 4 ohm के resistance के साथ हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए और a potential difference of 20 volts is applied. और जहां पर potential difference क्या है, 20 volts है, across the combination, combination के में, इस combination में 20 volt की आपको potential difference प्रवाहित की जा रही है। calculate the current थ्रू द सर्किट, तो इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, और 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग पिक्चर ड्रैग करें, तो 6 ओम और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारा बनाते हैं 6 ओम, दूसरा हमारा 4 ओम, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए 6 ओम ये है और ये है 4 ओम है। क्लियर? ये दोनों का दोनों हमारा कनेक्टेड है सीरीज में, और ये क्या है, एक 20 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ बैटरी का वोल्टेज कितना है, 20 वी। करंट जो प्रवाहित होगा वो आई, वो सभी में सेम होगा, दोनों में सेम होगा। करंट तो कॉन्स्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है हमारा सीरीज में, ये जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें निकालना है आई, सबसे पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, और निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम V6, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 That is equal to 10 ohms. ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, और हमारे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कितना है, 20 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर हमें मालूम है ना, वी नो। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी वाई आर, वी हमारा कितना है 20 वोल्ट, R हमारा कितना है 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 10 से 20 टू टाइम्स में कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर की करंट हमारी प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में। तो ये फर्स्ट का तो आंसर आ गया। दूसरा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम में, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, या कहिए V6 इसे कहें, तो I इंटू R6, रजिस्टेंस हमारा 6 ओम का, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे को निकालना है
वोल्टेज दैट इज इक्वल टू करंट हमारा कितना है 2 एम्पियर दोनों में प्रवाहित होगा, रेजिस्टेंस कितना है हमारे को 6 ओम, तो ये हो जाएगा कितना 6 × 2 = 12 वोल्ट। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारे को जो रजिस्टर्स है 6 ओम का उसमें 12 वोल्ट की करंट प्रवाहित होगी। आंसर क्लियर, सो सिंपल। प्रॉब्लम 3, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक बैटरी है जिसमें कि 3 सेल्स लगे हुए हैं 2-2 वोल्ट के, एंड ए 5 ओम रजिस्टर्स एंड 8 ओम रजिस्टर्स एंड 12 ओम रजिस्टर्स एंड ए प्लग के ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। और 3 रजिस्टर्स हैं 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम, ये आपको सीरीज में प्लग ऑन है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रजिस्टर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में हमारे को क्या है कि आपको 3 रजिस्टर्स हैं, कौन कौन है, एक रजिस्टर्स है 5 ओम का, दूसरा है 8 ओम का और तीसरा है 12 ओम का। तीनों का तीनों क्या है, सीरीज में है, 5 ओम 12 ओम एंड 8 ओम, आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज में है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी क्या है, 2-2 सेल्स के 3 सेल हैं और उस बैटरी में, यानी कि हमारा एक प्लस पॉइंट होगा, ये माइनस, और दूसरा हमारा फिर इसमें कनेक्टेड होंगे, एक बैटरी सेल और होगा, तीसरा एक सेल और होगा, आपको इस तरह से 3 सेल्स इसमें कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इसे प्लग ऑन करते हैं, तो ये प्लग ऑन का हमारा सिंबल हो गया, क्लियर क्लियर हो गया। ये रेजिस्टेंस, ये हम लोग एक डायग्राम खींच दिए और कह रहा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये जो 12 वोल्ट का रजिस्टर्स है, यहाँ पर हमारे को पैरेलल में आपको एक हमारे को वोल्ट मीटर अटैच करना होगा। ये हमारा वोल्ट मीटर अटैच हो गया, इसका ये छोर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्लियर। तो यहाँ हमने इस यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, तो दिस इज द डायग्राम, हमने डायग्राम खींच दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम लोग जानते हैं टोटल रजिस्टर्स रजिस्टेंस निकालेंगे आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी 5 प्लस 12 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 25 ओम हो गया। और हमारा वोल्टेज कितना हो गया टोटल, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 वोल्ट के हो गए, है ना। 3 सेल्स हैं हमारे को 2-2 वोल्ट के, तो वोल्टेज हमारा हो गया वी हो गया क्या, 2 × 3 सेल्स दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो गए। इसलिए करंट आई, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वोल्ट है यार, वी इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वैल्यू पुट कीजिए, आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे को क्या, वी का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारे को कितना है 25 ओम, दैट इज इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे 25 से 6 में, तो ये हमको आ जाएगा 0.24। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। आंसर, तो ये हमने पहला तो करंट निकाल दिया, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालते हैं अक्रॉस 12 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट 12 वोल्ट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस Across 12 वोल्ट रजिस्टर्स, क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं करंट तो आपका सेम रहेगा, तो I तो आपका सेम होगा, दैट इज 0.24 एम्पियर, और रजिस्टेंस यहाँ हो गया R,
हो गया यहां पर कितना 12 ओम। निकालना क्या है हमको यहां पर वी वोल्टेज निकालना है यहां पर, तो यहां पर वोल्टेज वी इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आई आर, करेंट हो गया 0.24 इंटू रजिस्टेंस हो गया 12 ओम। क्लियर है? तो 0.24 को यदि आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 2.88 वोल्ट। यही वोल्टेज प्रभावित होगी कहाँ से, 12 ओम के रजिस्टर से। आंसर सेकंड का भी रजिस्टर आंसर निकल गया। सो सिंपल। सैंपल प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा, सिंपल है, ये 3 ओम हो गया और दूसरा हमारा 6 ओम हो गया, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक बैटरी से, हमने ये डायग्राम खींच दिया। हमें पूछ क्या रहा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इन पैरेलल 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही है ना, तो दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 कितना हो गया 3 ओम प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू कॉमन एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 6 2 1 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 + 1 3/6 3 2 6 दैट मीन्स 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये R हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2 ओम। आंसर सो सिंपल। प्रॉब्लम 2, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, यहां पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जो देख ध्यान दीजिए, हमें कैलकुलेट करना है पहला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकंड कैलकुलेट करना है टोटल करंट फ्लो एंड थर्ड कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। चलिए तीन चीज कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। तो ये R1 जो है इस R2 और R3 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसके साथ सीरीज में है, और ये R2 और R3 जो है ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R2 और R3 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज हमारे को क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू पैरेलल में है तो 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? तो यहां से हम वैल्यू पुट कर दें दोनों का, तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा, 1/R2 का वैल्यू है 8 ओम प्लस R3 का वैल्यू है 12, तो आप LCM लीजिए तो 8 और 12 का LCM आएगा कितना 24, 8 3 12 प्लस 12 2 24 दैट इज इक्वल टू 5/24। ठीक है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 24/5 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 4.8 ओम। ये हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया यहाँ पर 4.8 ओम, यानी कहने का अर्थ है यह जो 7.2 ओम है यह हमारे को 4.8 ओम के साथ जो आपका 8 ओम और 12 ओम के पैरेलल के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ, इसके क्या है, सीरीज में है, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे को 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम। क्लियर, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 ओम आंसर। तो हमारे को फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए अब हमारे को देखना है टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। अब इस सर्किट में हमारे को कितना करंट फ्लो होगा,
ये हमारे को 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, यही हो गया ना नया पिक्चर, इसका डायग्राम ये हो गया। अब यहाँ करंट फ्लो क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि टोटल जो करंट फ्लो होगा वो निकलेगा किससे, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, V इज इक्वल टू आई आर से। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, क्लियर है। तो V कितना है, 6 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम है, तो 6/12 डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा आपको 6/2 12, यानी 0.5 एम्पियर आंसर। सेकंड का भी हमारे को आंसर निकल गया। अब हम देखते हैं थर्ड, थर्ड हमारे को क्या कह रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब यहाँ ये जो R1 है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं जब सीरीज में ये दोनों आ गया तो 7.2 ओम में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ क्या होगा V2 होगा, है ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I/R1 होगा, है ना। क्या रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ये फॉर्मूला गलत है, हम जानते हैं वोल्ट है यार, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V1 इज इक्वल टू I/R1 होगा, क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू I, करंट कितना है 0.5, रेजिस्टेंस R1 कितना है 7.2 ओम, 7.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 3.6 वोल्ट्स। 3.6 वोल्ट्स आपको करंट प्रवाहित होगी कहाँ से, 7.2 ओम के रजिस्टर से। यहाँ पर करंट फ्लो कितना होगा, 3.6 वोल्ट, क्लियर है। और यहाँ आपका करंट प्रवाहित जो हो रहा है वो I, वो कितना है 0.5 एम्पियर, क्लियर। सैंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज कंज्यूम्ड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितना करंट ड्रॉन हो रहा है, यानी कि हमें पूछा जा रहा है I इज इक्वल टू वाट, और हमें दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर, यानी पावर इज इक्वल टू 40 वाट, और हमारे को वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। फॉर्मूला याद है, पावर है भाई, P इज इक्वल टू V इंटू I, है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V, वैल्यू पुट कीजिए तो पावर कितना है 40 और वोल्टेज कितना है 220, कटा 2 11, 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर आंसर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यूनिट लिखना जरूरी है। सैंपल प्रॉब्लम 2, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। आप इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदने जाते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है, आप ध्यान देंगे 220 वोल्ट 100 वाट। When is operated on 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट, कौन सा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो सिंपल है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब कितना है, 220 वोल्ट और 100 वाट, है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और आपका पावर कितना है 100 वाट। और हमसे पूछा जा रहा है कि जब करंट 110 वोल्ट हो, जब करंट हमारा 110 वोल्ट हो, यानी V2 जब हमारा 110 वोल्ट हो, तो इस समय हमारा पावर कितना कंजम्पशन होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होगा, कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं,
तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी इज इक्वल टू पावर है भाई, है ना, और ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं, ये क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार, भान है यार, है ना। तो हम फॉर्मूला में क्या करें, करंट को उड़ा देते हैं, आई को उड़ाने के लिए उसके जगह पर वी और आर के टर्म में करने के लिए यहां से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बाई आर, और वैल्यू पुट कर देंगे, ये आई का वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, वी इंटू आई के जगह पर हमारा आई नहीं होगा और इसके जगह पर क्या होगा, आई हटा देते हैं, आई हमारा नहीं होगा, आई के जगह पर हमारा क्या होगा, वी बाई आर। दैट मीन्स फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्मूला में हमसे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, तो आर इज इक्वल टू वी हमारा कितना है 220 इंटू 220 हो जाएगा बटा में पावर 100 जीरो जीरो जीरो। अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 ओम आएगा, क्लियर। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये P2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे को फॉर्मूला तो मालूम ही है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जब वोल्टेज हमारा 110 रहता है तो पावर हमारा कितना होगा कंज्यूम, तो दैट इज इक्वल टू 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 484, क्लियर है। तो जीरो से 110 इंटू 110 सॉरी डिवाइडेड बाई 484 है, अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 25 वाट, ठीक है। यानी कि आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। प्रॉब्लम 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम देखिए, पावर है भाई पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये हम जानते ही हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा, अगर हम लोग दूसरा ओम्स लॉ से हम लोग ये भी जानते हैं क्या, भान है यार, तो वी के जगह पर अगर हम लोग पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारे को फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना, आई स्क्वायर आर हो जाएंगे, तो यानी ये भी हमारा सही है, ये हमारा नहीं होगा तब, है ना, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है। फाइंड आउट हो गया आसानी से, और पावर बराबर वी स्क्वायर बी आर, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, ये भी हम जानते हैं। प्रॉब्लम्स देखिए, सैंपल प्रॉब्लम, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स, एक रेडियो सेट है 60 वाट्स का, रन्स फॉर 50 आवर्स, 50 आवर्स के लिए रन करता है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। तो आपका पावर कितना है 60 वाट्स, ठीक है, और कितना देर तक यह चलेगा, तो ये चल रहा है आपको 50 आवर्स, है ना, 50 आवर्स के लिए टी इज इक्वल टू 50 आवर्स, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इज इक्वल टू वाट, तो पावर हमारे को दिया हुआ है वाट में, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं, तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी 60 बाई 1000, तो ये हुआ किलो वाट, तो ये ऊपर जाएगा, ये यहां से कटा, तो 00 आपको डेसिमल, 2 डेसिमल पीछे ले जाएगा, यानी 10 और लाइए तो यहां पर आएगा, यानी 0.06 होगा, है ना, यानी क्या हो गया 0.06 किलो वाट, क्लियर।
ये हमारा एनर्जी का पावर का यूनिट हुआ 0.06 किलो वाट। और टाइम हमारे को दिया हुआ है कितना घंटा चला, 50 आवर्स, ठीक है। और एनर्जी है पेट, यानी E इज इक्वल टू पी इन टू टी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.06 इंटू क्या हो जाएगा 50, 0.06 इंटू क्या हो गया 50 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 इंटू 6 300, दो डेसिमल के बाद है, दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 3.00, दैट मींस हो गया क्या 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर्स ये हो गया हमारे को, है ना, कि इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कंज्यूम कर रहा है, यानी 3 kWh। क्लियर है, ये हमारा 3 kWh हो गया। अगर जूल में हमसे पूछा जाए तो कि जूल में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो हम लोग जानते हैं 1 kWh इज इक्वल टू 1 kWh बराबर कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल्स। क्लियर, तो 3 kWh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3.6 × 10⁶ जूल, दैट इज इक्वल टू 10.8 × 10⁶ जूल आंसर। क्लियर। प्रॉब्लम टू, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। चलिए हमें एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ इस समय तक ये निकालना है, तो हमारे को दिया हुआ है करंट 4 एम्पियर, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और उसके बाद दिया किया गया है वोल्ट, 12 वोल्ट का बैटरी है, यानी वोल्टेज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, देन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 12 वोल्ट हो गया, और 10 मिनट्स के लिए ये चलता है, टाइम हमारे को दिया हुआ है 10 मिनट, तो कितना एनर्जी हमारे को ट्रांसफर होगा, E इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पावर निकाल लें, तो पावर हमारे को निकालेंगे, तो पावर है भाई P इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है V इंटू आई। क्लियर, V इंटू आई ये तो हमारे को मालूम है, तो यहाँ पर आपको क्या है 12 वोल्ट का कार है, 4 एम्पियर है, तो पावर हमारे को क्या हो गया 12 वोल्ट इंटू 4 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 12 वाट। ये वाट में है तो इसको किलो वाट में, सॉरी 12 इंटू 4 हमारे को क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा ना, 12 कैसे लिख दिया 48 वाट हो गया, 48 वाट हो गया। अब इसको किलो वाट में बदलेंगे, तो किलो वाट में बदलने के लिए क्या करूं, 1000 से डिवाइड कर दूं, 48/1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो वाट हो जाएगा, है ना, तो ऊपर जाएगा तो 3 डिजिट के बाद, यानी कि 0.048 किलो वाट हो गया, है ना, किलो वाट। ये पावर मैंने निकाल लिया किलो वाट में, टाइम हमारे को कितना है 10 मिनट, टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट, तो इसे भी तो हम मुझे आवर में बदलना होगा, तो आवर में बदलने के लिए क्या करूं, 60 से डिवाइड करूं तो आवर में बदल जाएगा, 10/60 आवर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/6 आवर्स हो गया। और एनर्जी बराबर फॉर्मूला मालूम है ना, एनर्जी है पेट पी इन टू टी, क्लियर है, एनर्जी है पेट हो गया, तो पावर हम लिख दें 0.048 इंटू टाइम हमारा हो गया 1/6। क्लियर है, तो के हमारे को काटेगा 0.0048 को में 6 से भागा दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 0.008, दैट इज इक्वल टू हमारे को क्या आया 0.008
किलोवाट आवर। आंसर क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। तो चलिए हमारे को फिर यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा 5 एम्पियर करंट यदि फ्लो करता है एक रजिस्टर 2 ओम से 30 मिनट के लिए। तो सॉल्यूशन हमारे को दिया हुआ है क्या, करंट आई है ना, करंट आई दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और उसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है, रजिस्टर्स दिया हुआ, रजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 2 ओम्स, टाइमिंग कितना है 30 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू इसे हम 30/60 कर दूं है ना, तो 1/2 हो जाएगा आवर्स। तो ये 1/2 आवर्स निकाल दिए टाइम। अब हमारे को क्या निकालना होगा, सबसे पहले पावर, तो इस आई और आर की मदद से पावर निकालना है। और पावर पी बराबर फॉर्मूला हमें मालूम है आई और आर के टर्म में, आई स्क्वायर आर। क्लियर, वैल्यू पुट करें, 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, आर हो गया 2, 5×5 = 25, 25 × 2 = 50 वाट्स। किलो वाट में बदलने के लिए क्या करूं, 1000 से डिवाइड कर दूं, 50/1000, 1000 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये किलो वाट में बदल जाएगा है ना। तो kWh ये हो गया, 0 से 0 कट गया, दैट इज इक्वल टू 0.05 किलो वाट आवर, नहीं किलो वाट, 0.05 किलो वाट ये हो गया। अब हमारा क्या क्या निकालना है, एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला तो सिंपल जानते हैं, एनर्जी है पेट, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब पावर जो है हमारे को कितना, 0.05 इंटू टाइम 1/2। क्लियर, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.025 किलो वाट आवर। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, प्रॉब्लम 4, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स ए डे। एक दिन में 10 आवर्स ऑपरेट हो रहा है रेफ्रिजरेटर, तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा कंज्यूम होगा, तो कितना कॉस्ट लगेगा। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹33.4 किलो वाट पर आवर। हमारा रेट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है क्या, 3.40 रुपीज पर किलो वाट आवर। क्लियर है, तो हमारा क्या रेफ्रिजरेटर का पावर दिया हुआ है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। रेफ्रिजरेटर का पावर कितना है, 350 वाट। क्लियर है, और ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, एक दिन में कितना देर चलता है, 10 आवर्स। तो हम लोग टाइम देख लेते हैं, टाइम हमारा है 10 आवर्स, टोटल कितना दिन का निकालना है, 30 डेज का है ना। तो यानी टाइम क्या हो जाएगा हमारे को, इनटू 30 डेज, दैट इज इक्वल टू 300 आवर्स में अब निकाल लेंगे कि हमारे को कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। क्लियर, पावर हमारा वाट में है तो इसे सबसे पहले किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलो वाट हो जाएगा है ना। दैट मीन्स ये हमारे को हो गया क्या, 0 से 0 कटा तो ये 00 जाएगा ऊपर, तो 0.35 हो जाएगा है ना, डेसिमल में बैक कराएगा 2 तो 0.35 किलो वाट ये हो गया पावर। ठीक है,
टाइम मालूम हो गया, और एनर्जी बराबर जानते हैं क्या, पेट है ना, एनर्जी है पेट, दैट मीन्स हम लोग वी नो दैट एनर्जी है पेट, ये दैट मीन ई इज इक्वल टू पी इंटू टी हम लोग जान रहे हैं। तो पावर का वैल्यू पुट कीजिए कितना है, 0.35 किलोवाट, टाइम कितना है 300 आवर्स, सब हो गया। पावर हमारा किलोवाट में है ना, किलोवाट आवर, और टाइम हमारा आवर में है, क्लियर। तो दैट इज हमारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105 किलोवाट आवर। तो पावर हमारा कंजम्पशन हो रहा है कितना, 105 किलोवाट आवर वन मंथ में। तो अब हम कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट हमारे को दिया हुआ है, क्या कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 kWh इज इक्वल टू 3.40 रुपीज, यही है ना। तो कॉस्ट ऑफ 105 kWh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3.40 इंटू आपको मल्टीप्लाई होगा 105 से, दैट इज इक्वल टू आएगा 357 रुपीज आंसर, क्लियर। नाउ वी मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बल्ब प्रॉब्लम, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। एक बल्ब है हमारा, कितना है का है बल्ब, बल्ब का आपको वोल्ट दिया हुआ है 200 वोल्ट, पावर दिया हुआ है 100 वाट, पूछा क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस। तो ये तो तुरंत निकाल लेंगे इससे, है ना, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हमारे को आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, दैट इज मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे को, वी स्क्वायर, यानी वोल्ट हमारा कितना 200, यानी 200 इंटू 200, पावर हमारा कितना है बल्ब का 100, कट गया, दैट इज इक्वल टू 400 आ गया ओम आंसर। तो रेजिस्टेंस तो हमारा निकल गया। अब आगे देखिए, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। अब ये 100 वाट के जो बल्ब है हमारे, है ना, कितने वाट के हैं, 100 वाट्स के, ऐसे 5 बल्ब को हम लोग जलाते हैं कितना देर, 4 आवर्स, ठीक है। 5 बल्ब्स, प्रत्येक बल्ब हमारा कितना है 100 वाट है पावर प्रत्येक का, और टाइमिंग क्या है 4 आवर्स। तो पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, क्लियर। तो ये तो सिंपल है, हमारे को 5 बल्ब्स है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होंगे, वो कैसे निकल जाएंगे, ई इज इक्वल टू आपको पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो 5 बल्ब्स का पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू, एक बल्ब का 100 वाट, तो 5 इंटू 100, क्लियर। ये तो हो गया क्या वाट में, तो इसे यदि किलो वाट में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ये हमारे को हो गया क्या, पावर हो गया, और टाइम कितना देर बर्न करेगा, 4 आवर्स, तो इंटू 4 आवर्स, क्लियर। तो हमारे को एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगा कि 4 आवर्स में ये 5 बल्ब कितना आपको एनर्जी कंज्यूम करेंगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है, और 5 टू जा 10 और 2 टू जा 4, यानी कितना आ गया 2 किलोवाट, 2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होगा, है ना। तो ये हमारे को एनर्जी आ गया 2 किलोवाट आवर, ये हमारा एनर्जी का यूनिट है 2 किलोवाट आवर, यानी ये हमारा एनर्जी कंजम्पशन आया। तो ये आंसर सेकंड का भी हमारा निकल गया, ठीक है। तो 4 आवर्स में हमारे को एनर्जी कंजम्पशन है 2 किलोवाट आवर, तो और दैट मीन्स 2 किलोवाट आवर का मीनिंग क्या होता है, 2 यूनिट्स, यानी कहने का अर्थ है आपके मीटर में बिजली का बिल आएगा कितने का, 2 यूनिट्स का, है ना। और हमारे को कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 4.60 पर यूनिट। 1 यूनिट का कॉस्ट है कितना, 1 यूनिट कॉस्ट इज 4.60 रुपीज, इसलिए 2 यूनिट कॉस्ट इज 2 इंटू 4.60, दैट इज इक्वल टू
9.20 रुपीज आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, यानी आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई, और वोल्टेज यहां पर कितना है 220 वोल्ट से। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज, तो टाइम हमारा क्या हो गया 5 आवर्स इंटू 30 डेज, दैट इज इक्वल टू 150 आवर्स हमारा टाइम हो गया। इसमें हमारे को निकालना है कि कितना कॉस्ट होगा यदि 1 kWh का कॉस्ट दिया हुआ है 5.20, ठीक है, वन कॉस्ट ऑफ 1 kWh दिया हुआ है, 1 kWh ये कितना है 5.20 रुपीज, तो कितना हमारे को बिजली बिल आएगा, है ना, क्या कॉस्ट होगा ये अब हमको बताना है। तो इसके लिए हमें निकालना होगा एनर्जी कंजम्पशन, उसके पहले हमें निकालना होगा क्या पावर, कि इस इलेक्ट्रिक हीटर का पावर कितना है। तो आई और वी जब हमको मालूम है तो पावर तो निकल नहीं जाएगा, पावर है भाई पी इज इक्वल टू वी इंटू आई फार्मूला से, तो वी कितना है 220 वोल्ट और करंट है 10 एम्पियर। क्लियर, तो वाट कितने कितना पावर का ये हो जाएगा, ये हो गया 2200 वाट। क्लियर, तो किलो वाट में क्या होगा 2200 बाई 1000, 0 से 0, 0 से 0, दैट इज इक्वल टू 2.2 किलो वाट। ये पावर आ गया हमारे को 2.2 किलो वाट। टोटल टाइम हमारे को मालूम है 150 आवर्स, तो एनर्जी कंजम्पशन इन 150 आवर्स निकालने के लिए क्या करें, एनर्जी है पेट पी इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 150। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना आएगा बताइए, कोई कितना आएगा 330 किलो वाट आवर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स भी कहते हैं, यानी 330 यूनिट्स, और कॉस्ट ऑफ 1 kWh या कहिए यूनिट, है ना, या जिसको कि यूनिट भी कहा गया है, इज कितना है 5.20 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 330 किलोवाट आवर यूनिट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 330 इंटू 5.20, दैट इज इक्वल टू 1716 रुपीज आंसर। सो सिंपल, चलिए अब देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पर प्रॉब्लम। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा, तो हमारे को यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ हमारे को दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स। सेकंड दिया हुआ है रेजिस्टेंस आर, दैट इज इक्वल टू 500 ओम्स, ठीक है, और थर्ड दिया हुआ है कि 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है। तो हमें निकालना क्या है, एक निकालना है करंट आई, दूसरा हमें निकालना है हीट एनर्जी एच इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो यहां आप देखिए वी आर और आई का रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, है ना, वी बाई आई इज इक्वल टू आर, ये तो हम लोगों को मालूम है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर,
दैट इज इक्वल टू वी हमारा कितना है 250, रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम, तो ये हमारे को टू टाइम्स में कट गया, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो पहला तो हमारा करंट आ गया, तो आई हमारे को मालूम है ये कितना है 0.5 एम्पियर, और हीट प्रोड्यूस्ड एच इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है आई स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस इंटू टी समय। तो आई भी मालूम है, आर भी मालूम है, टी भी मालूम है, तो वैल्यू पुट कीजिए। आई कितना है हमारा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5, और रेजिस्टेंस हमारे को कितना है 500 ओम, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1250 जूल्स, यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। चलिए देखते हैं, यहां हमारे को जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लें। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, दैट मींस एच इज इक्वल टू व्हाट, 96,000 कूलम्स, तो हमारे को चार्ज दिया हुआ है क्यू, ये कितना है 96,000, और ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, 1 आवर ट्रांसफर्ड होता है, 1 घंटे में 96,000 कूलम ट्रांसफर हो रहा है, टाइम हमारा हो गया 1 आवर, तो ये सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, दैट मीन्स 60 into 60 seconds हो गया टाइम, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वी इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। क्लियर, इतना चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं हीट के लिए, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये तीन चीज चाहिए। तो टाइम हमें मालूम है, करंट और रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो पहले तो करंट निकाल लें। तो करंट आई इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है कि भुला गए, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्यू बाई टी, वैल्यू पुट कीजिए 96,000 डिवाइडेड बाय 60 into 60, टाइम हो गया, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 26.67 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो चलिए हमारा करंट भी मालूम हो गया और हमारे को वोल्ट भी मालूम है, तो ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई आर, जानते हैं ना वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसलिए यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, तो वी का वैल्यू पुट कीजिए, वोल्ट कितना है 50, आपका करंट कितना है 26.67। चलिए अब इसे हल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1.87 ओम। तो रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया, करंट भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो हीट प्रोड्यूस्ड एच निकल जाएगा, एच इज इक्वल टू फॉर्मूला जान रहे हैं आई स्क्वायर आर टी, वैल्यू पुट कीजिए, तो आई करंट हमारा कितना है 26.67 का स्क्वायर, यानी फिर लिख दीजिए 26.67 इंटू रेजिस्टेंस लिखिए 1.87, टाइम लिखिए कितना है 60 into 60, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 478,8400 जूल। ठीक है, इसको किलो जूल में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा,
4788.4 किलो जूल्स आंसर। सो सिंपल,